म्यांमार में इसी साल 25 अगस्त को म्यांमार के रखाइन में हिंसा भड़की थी। म्यांमार में एक लंबे समय से हो रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार की सेना और बुद्धिस्ट चरमपंथियों ने रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम किया था। हिंसा की वजह से जान बचाकर पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरणार्थी हुए रोहिंग्या मुसलमानों की तुर्की पहले दिन से मदद कर रहा है। सर्दी के चलते तुर्की की सरकारी एजेंसी ने शरणार्थी शिविरों में कंबल देना शुरू किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक तुर्की की सरकारी एजेंसी ने बांग्लादेश के बॉक्स बाजार जिले में 10,000 से ज्यादा कंबल रोहिंग्या मुसलमानों को वितरित किए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में 5,00,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में एक ही जगह पर रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों में संक्रमण फैल सकता है, क्योंकि साफ सफाई का प्रबंध न होने की वजह से कोई खतरा बीमारी इन लोगों को जल्द ही लग सकती है। बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों की मदद भारत सरकार द्वारा भी कई बार की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।